हेलो फ्रेंड्स, श्रेया फैशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आप घंटी के बटन को दबाना नहीं भूलें ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पोर्टेबल स्विंग मशीन में नीडल चेंज करना बताऊंगी और साथ ही इसमें बैटरी चेंज करना भी बताऊंगी। आइए मैं आपको नीडल चेंज करने से पहले कुछ सावधानियां बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप पावर स्विच को लॉक कर दें, ये देखिए इस तरह से, ताकि आपके लगे नहीं। तो सबसे पहले हम नीडल निकालते हैं। तो नीडल खोलने के लिए इसके 4 हेड स्क्रू ड्राइवर की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम इस सेट स्क्रू को खोलेंगे और इसे आप घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में घुमाएं। अब आप नीडल को बाहर निकाल लें। नीडल को हमने बाहर निकाल दिए और अगर ये नीडल आपके टूट गई तो इसके साथ में एक और नीडल आती है, देखिए। लेकिन इसी नीडल को हम वापस लगा देते हैं। नीडल लगाने का तरीका मैं बताती हूँ आपको। इसमें जो कर्व दे रखा है, देखिए, स्कार्प जो दे रखा है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, इस मशीन के बाहर की तरफ रहना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर जो कट है, छीला हुआ है यहाँ पर, ये मशीन के बाहर की तरफ रहना चाहिए। सबसे पहले आपको नीचे इस होल में डालना इस तरह से और फिर ऊपर उठाना है इसको। नीडल को आप मैक्सिमम ऊपर उठाकर ही लगाएं। अगर आपके थोड़ा स्किप्ड स्टिच आती हो तो थोड़ा आप नीडल को नीचे कर सकते हैं। अब हम घड़ी की दिशा में इसको घुमाकर इसको टाइट कर देते हैं सेट स्क्रू को। एक बार आप रोटरी व्हील से नीडल को हाथ से चलाकर चेक कर लें कि कहीं नीडल टकरा तो नहीं रही इस तरह से। नीडल सही लग गई है, कहीं नहीं टकरा रही है। अब मैं आपको इसमें बैटरी रिप्लेस करना बताती हूँ कि आपको इसमें सेल किस तरह से डालने हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले बाहर की तरफ पुश करें इस तरह से, ये देखिए। इसको हम बाहर निकाल देते हैं। अब मैं आपको इसमें सेल डालना बता देती हूँ कि आपको ये सेल इसमें किस तरह से डालने हैं। ये देखिए, एक तो यहाँ पे ये प्लस लिखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। इसी तरह इधर भी लिखा है, ये देखिए, यहाँ माइनस और इधर प्लस। तो सेल की डायरेक्शन आपको इसी तरह से रखनी है। यहाँ प्लस लिखा है तो सेल में भी प्लस ऊपर रहना चाहिए। ये देखिए, इस सेल पे यहाँ पे प्लस लिखा है, तो यानी कि ये प्लस इस प्लस के सीध में रहना चाहिए, यानी प्लस ऊपर आना चाहिए। और अब हम ये दूसरा सेल उठाते हैं, ये देखिए, ये माइनस है और इधर भी यहाँ पे माइनस है, तो माइनस ऊपर रहना चाहिए। अगर ये आपने उल्टे लगा दिए तो मशीन नहीं चलेगी। ये देखिए, यहाँ पे माइनस है और इधर यहाँ पे भी माइनस है, तो मतलब आपको इस सेल को माइनस ऊपर रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस ही है, इसलिए इसको माइनस को ऊपर रखना है। और एक ये सेल है, ये देखिए, इसका प्लस, ये देखिए, ये प्लस है, तो इसको आप प्लस को ऊपर रखें। और यहाँ पे भी प्लस है, इसलिए प्लस ऊपर ही रखना है। इस तरह से आपको लगाना और ये सेल आप इस तरह से चेक कर लें, ये सेल फंसने नहीं चाहिए, फ्री होने चाहिए इस तरह से। अब आप इसको ढक्कन को इस तरह से दबाकर और अंदर की तरफ पुश कर दें इधर ऐसे। आज मैंने आपको इस पोर्टेबल स्विंग मशीन में नीडल चेंज करना और साथ ही बैटरी चेंज करना दोनों मैंने बता दिए। इस पोर्टेबल स्विंग मशीन के मैंने और भी कई वीडियो बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।